शादियों के सीजन में बारातियों की सुनी गई। चीफ जस्टिस ने शहरियों की एक और परेशानी का नोटिस ले लिया। शादी के औकात एक घंटा बढ़ाने से मुतालिक डीसी से तजावीज मांग ली। डीसी सोलह सईद ने अदालती हुक्म पर काम शुरू कर दिया। जल्द अदालत को आगाह करेंगे। सजने संवरने में टाइम लगता है, थोड़े से वक्त से क्या बनता है। दुल्हा दुल्हन वालों ने भी उम्मीदें लगा ली। हमारे प्राइवेट कॉलेजेस में अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स क्रिएट नहीं किए जा रहे, क्वैक्स क्रिएट किए जा रहे। मुझे अंदेशा है कि इन प्राइवेट हॉस्पिटल से जो आने वाले तरबियत हासिल करके, तालीम हासिल करके जो डॉक्टर्स बनेंगे, शायद वो इस काबिल होंगे कि मेरा इलाज कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। बतौर चीफ जस्टिस मुझ पर भारी जिम्मेदारियां हैं। कौम की खिदमत के लिए तीन घंटे से ज्यादा नहीं सोता। निजी अस्पताल डॉक्टर्स नहीं अताई बना रहे हैं। सब जानते हैं कि दाखिलों के लिए पैसा चलता है। किसी एक अस्पताल को नहीं चलाया, इंतजामी मामलात में मुदाखलत भी नहीं की। जहां कमजोरियां और खामियां थी वहां मुदाखलत की। चीफ जस्टिस का सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। चीफ जस्टिस का जीआईटी रिपोर्ट में जिक्र करदा तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। तमाम बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर अदालत में पेश किया जाए, सुप्रीम कोर्ट। बैंक ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग, जीआईटी रिपोर्ट में जिक्र करदा तमाम इमारतों और जायदादों की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आए। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद और डीजी लीगल ताहिर परवेज आमने सामने, कमरा अदालत में नोकझोंक। अब आप खुश हैं? डीजी लीगल ताहिर परवेज का शेख रशीद पर तंज। देख ले चीफ साहिब, आपके सामने मुझ पर तंज कर रहे हैं शेख रशीद। वजीर की इज्जत करे, ताल्लुक बरादरी की बुनियाद पर फैसले नहीं करता। जस्टिस साकिब निसार का लाहौर हाई कोर्ट को डीजी लीगल के केस का फैसला एक हफ्ते में सुनाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर कानून के तलबा सरापा एहतजाज। पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहले दाखले किए फिर कानून बदल दिया, अब दाखले वापस किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। आमदन से जायद असासा जात केस ने अपने ख्वाजा बरादरान का एलटीए और मैथमेटिक्स से रिकॉर्ड हासिल कर लिया। ख्वाजा साद रफीक की अहलिया गजाला साद को भी तहकीकात में शामिल करने का फैसला। बल्दिया उज़्मा सालाना रेवेन्यू टारगेट पूरा करने में नाकाम, कारकर्दगी पर सवालिया निशान। 90 करोड़ के बजाय 57 करोड़ ही इकट्ठे हो सके। वासा समेत अहम इदारे मेट्रोपोलिटन के नादहिंदा निकले। तजावुजात के खिलाफ हर सरकारी इदारा मुतहरिक। एलडीए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के बाद अवॉल्ड सिटी अथॉरिटी का अंदरून शाह आलम मार्केट में ऑपरेशन। 8 मंजिला गैर कानूनी प्लाजे की मिसमारी शुरू कर दी गई। प्लाजा सरकारी अराजी पर तामीर किया गया, मिसमारी में 10 रोज लगेंगे अवॉल्ड सिटी अथॉरिटी। चौधरी बरादरान से अरशद इंसारी की कयादत में सीनियर सहाफियों की मुलाकात। वजीर आला पंजाब से मिलकर सहाफी कॉलोनी फेज 2 का कयाम यकीनी बनाएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली की सहाफियों को यकीन दहानी। शहर में गाड़ी और मोटरसाइकिल खरीदारों की तादाद में इजाफा। रवा साल 5,37,209 गाड़ियां और मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हुई। रजिस्ट्रेशन की मद में मैकमैक्साइज को 81 करोड़ रुपए जमा हुए। सुई गैस बंद, एलपीजी महंगी, सीएनजी भी नहीं, बिजली का आना जाना भी जारी। तवानाई बहरान ने ऐसा सर उठाया कि निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। बिजली की लोड शेडिंग से घरों में अंधेरे और गैस गायब होने से चूल्हे ठंडे पड़ गए। सीएनजी स्टेशन पर भी ठंड पड़ गई। 10 जनवरी तक मिलना बंद, शहरियों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई। कीमतें कम हुई ना ही एलपीजी माफिया को नकेल डाली जा सकी। मिली रिक्शा यूनियन एक बार फिर से सरापा एहतजाज। रेलवे स्टेशन से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली, मुजाहिरीन की नारेबाजी।
शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। बिजली की बार बार बंदिश से तंग धर्मपुरा के रिहायशी सड़कों पर निकल आए। गर्मी नहीं फिर भी बिजली गायब है, मामूलाते जिंदगी तबाह होकर रह गए मुजाहिरीन। शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी मार्केट हॉल रोड में सर्वर सेंटर की पहली मंजिल में आतिशबाजी। आग मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में लगी और देखते ही देखते भड़क उठी। इमदादी टीमों ने एक घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया। शालीमार में दूध की दुकान में सिलेंडर धमाका, 22 साल का नौजवान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। डीजी नैब लाहौर, शहजाद सलीम की डिग्री का मामला, HEC की तहकीकात मुकम्मल। हायर एजुकेशन कमीशन ने शहजाद सलीम की डिग्री को दुरुस्त करार दे दिया। शहजाद सलीम ने MSc की डिग्री 2002 में हासिल की, 100% दुरुस्त है, तर्जुमान HEC। डिग्री की तस्दीक शुदा कॉपी लाहौर न्यूज़ पर। अलहमरा हॉल में सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का चौथा कॉन्वोकेशन, चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 220 तलबा को डिग्रियों, मेडल्स और दीगर इनामात से नवाजा गया। पंजाब यूनिवर्सिटी का 127वां कॉन्वोकेशन, वाइस चांसलर प्रोफेसर नियाज अहमद, रजिस्ट्रार डॉक्टर खालिद खान और तलबा की शिरकत। 1419 तलबा और तालिबात में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम। पाकिस्तान आओ, अदालतों के केस निपटाओ और अपनी अपनी एयरलाइन चलाओ। CAA ने दिवालिया होने वाली शाहीन एयर को फजाई ऑपरेशन शुरू करने की मजबूत इजाजत दे दी। अमले को वाजिबात की अदायगी के बाद ही फजाई रिलीफ दिया जा सकेगा। शाहीन एयर की इंतजामिया की दरखास्त पर सिविल एविएशन का जवाब। कानून को खाते में ना लाने वालों के E-challan, गुज़िश्ता 3 माह में 4 लाख से ज़ायद E-challan किए गए, 55 मिलियन रुपए से ज़ायद जुर्माने, 10,000 से ज़ायद चालान घरों में भिजवाए गए। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने अदादोशुमार जारी कर दिए। पुलिस लाइंस कला गुजर सिंह में स्पोर्ट्स डे में जबरदस्त मुकाबले, पुलिस के नौजवानों ने खूब दाव पेश लगाए। और सुबह सवेरे शदीद ठंड, धुंध के भीटे रे, बाद में सूरज की आंख मचोली। मोटरवे लाहौर से पिंडी भट्टियां तक 12 घंटे बंद रही। धुंध में फजाई रास्ते भी गुम हो गए। लाहौर एयरपोर्ट पर हद निगाह 500 मीटर रह जाने से फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। 10 डोमेस्टिक परवाजें उड़ान ही ना भर सकी, 9 ताखिर का शिकार। ट्रेनों की आमद और रवानगी में भी ताखिर।